यही था ना बाइक बोल दिया था इसका। ओ भाई भाई प्लीज देखो भाई, हाथ पकड़ो भाई, काका हाथ मिला, हाथ मिला, ग्लव्स खुले देख काका, हाथ पकड़ो, आलादा जिनिस। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लद्दाख सीरीज। एंड अभी हम लोग हैं सोनमार्ग में, सुबह के कुछ 9 बज रहे, हम लोग ऑल सेट है टू लीव फॉर लेह। एंड यहाँ से अराउंड कुछ 360 किलोमीटर्स बाकी है लेह, तो देखते हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि आज के रात ही रात हम लोग पहुँच जाए लेह, और अगर नहीं होता है देन कई बीच में स्टे करना पड़ेगा, बीच में मतलब कारगिल में। बाकी मैं आप लोगों को ना एक बार सराउंडिंग का व्यू दिखा देता हूँ, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। इधर देखो अपने बाइक के साथ ना फोटोशूट चल रहा है यार, क्या कमाल का लग रहा है ना यार, अपनी साउजन RR के साथ अच्छा खासा फोटोशूट भी चल रहा है। एंड इधर देखो ये थार मुझे बहुत ही पसंद आया यार, इसमें जो अलॉयज लगे हुए हैं ना बहुत ही अच्छे हैं। एंड गाइस मैं आप लोगों को सराउंडिंग का जो व्यू है वो दिखा दूँ, ये आप लोग माउंटेंस देख सकते हो, आइसकैट माउंटेंस, इधर भी माउंटेंस, प्लस इधर का जो माउंटेन है ये भी काफ़ी अच्छा है, हेलीकॉप्टर का साउंड सुनाई दे रहा है, होगा आसपास में कहीं पर। गाइस हम लोग ठहरे थे होटल बर्जमान, यहीं पर हम लोग ना नॉर्मली हमेशा ठहरते हैं, ये अपना कासिम भाई का होटल है। अगर आप बाइकर्स लोग आते हो एंड आप लोगों को अच्छा खासा होटल चाहिए इन सोनमार्ग, देन डू विजिट दिस होटल, होटल बर्जमान बहुत ही अच्छा है। बाकी ये रहा नज़ारा सराउंडिंग का, एंड अभी हम लोग इधर को जाएंगे, इधर साहिल भाई रेडी ऑलमोस्ट, चलो क्या क्या खाया शिलाजीत? इसलिए जोश बढ़ गया ना तुम्हें, हायाबुसा का अकेला उठा दिया। एनीवेज गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो रोड ट्रिप हो रहा है इसका पार्टनर्स है आदेश मोटर शॉप, जो इस बाइक पॉइंट डिटेलिंग केबल्स एंड SBK मोटर पार्ट्स, सो थैंक्स टू ऑल 4 ऑफ दीज रोड ट्रिप पार्टनर्स, प्लस अपना बाइक का जो रैप है वो किया है रैप डायनामिक्स अपने सामी भाई ने, तो यस थैंक्स टू ऑल ऑफ 5 ऑफ देम। एंड अभी चलो निकलते हैं यहाँ से एंड लद्दाख जाते हैं, लद्दाख यस, बाइक लेकर लद्दाख। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, आज देखते हैं यार कितना किलोमीटर राइड करेंगे। रीसेट वैल्यूज डन, अभी तक आप लोगों को दिखेगा बाइक मेरा चल चुका है इस ट्रिप पे 2585 किलोमीटर, बाप रे बाप बहुत चला लिया बाइक। चलो आगे फ्यूल अप कर लेंगे, बाइक यार ना ठंडा हो जा रही है, हाँ अभी तो थोड़ा सा गर्मी हो रहा है मेरे को, बट थोड़ी देर बाद ना फिर ठंडी लगेगा। वो यार इसी जगह पर एग्जैक्टली इसी टाइम पर इसी होटल के सामने मैं अपने ट्रेनर को लेकर निकल गया था, थोड़ा आगे गया था एंड फिर वहाँ से मैंने बाइक मोल लिया था। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड गाइस इधर जो ग्रीनरी ग्रीनरी नज़ारा है ना, धीरे धीरे जितना हम लोग जाएंगे लद्दाख के तरफ उतना ना व्यू जो है वो चेंज होता रहेगा। तो गाइस अभी आप लोग साइड में जो सीन है वो देख ही सकते हो यार, क्या खूबसूरत सा व्यू है ना, आइस कैप माउंटेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इधर खाई है जबरदस्त वाला गहरा खाई है भाई। तो अभी हम लोगों को ना आगे जाकर मिलेगा जोजिला पास, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट पास है यार, जितना डिफिकल्ट होना है हो जा भाई, जितना वाटर क्रॉसिंग, जितना टफ टेरेन जो मिलना है मिल जा भाई, हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड फुल्ली एक्सपीरियंस्ड भी।
बाप रे भाई, रास्ता थोड़ा डेंजरस है भाई। साइड का जो खाई है ना उसको देखकर ना यार डर लग रहा है। थोड़ा सा आराम आराम से चलाना पड़ेगा यहाँ पर यार। गाइस धीरे धीरे सीनिक व्यू भी जबरदस्त होता जा रहा है एंड रोड डेंजरस भी होता जा रहा है भाई। आप लोग तो यूट्यूब वीडियो में देख रहे हो ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं तो राइड कर रहा हूँ ना भाई, मेरा फट रहा है। मतलब अभी चलो सही है, थोड़ा पहले ना बहुत डेंजरस जो खाई होता ना उसके पास से हम लोग जा रहे थे। वो भी दूसरे गाड़ी को, जैसे जो ट्रक्स है इनको तो देखो, अभी देखो खाई देखो भाई साइड में। अरे बाप रे बाप रे बाप, इनको ना मतलब ओवरटेक करके हम लोग जा रहे। तो हम लोगों को जो स्पेस मिल रहा है ना ओवरटेक करने का वो बहुत ही शॉर्ट है। अब इनकेस हो भी सकता है कि आगे से कोई गाड़ी आ जाए, तो मतलब इतना ज़्यादा रिस्की है ना भाई। एंड ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट लुकिंग इन फ्रंट, साइड में मैं नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि साइड में देखने से ना यार, एक तो है सामने का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हट रहा है, एंड सेकेंड है साइड में देखने से यार डर लग रहा है यार, पैनिक हो जा रहा हूँ मैं। चलो चलो ऊपर वाले का नाम लेकर कर लेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग मेरे भाई लाइक मार दो वीडियो पे, ठीक है, कमेंट कर दो अच्छा अच्छा, और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। देखो इतना अच्छा सुपर बाइक लेकर इतना एडवांस एक्सट्रीम है। देखो इधर क्या हुआ, लैंडस्लाइड जैसा छोटा छोटा पत्थर गिरा, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा पत्थर गिरा। तो इतना जो एक्सट्रीम राइड में कर रहा हूँ, वीडियोज बना रहा हूँ, उसको एडिट कर रहा हूँ, फिर यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग ना घर बैठ कर ये सब जो वीडियोस है इसको एंजॉय कर सको, एंटरटेन हो सको। एंड अगर आप लोगों को भी इस टाइप का राइड्स या ट्रिप करना है तो यहाँ से आप लोगों को ना नॉलेज मिलेगा। तो अगर मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिल रहा है देन प्लीज़ लाइक कमेंट, एंड अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब, ठीक है, इतना ही दरख्वास्त है बस। अरे बाप रे, हाथों में क्या दर्द हो रहा है भाई। गाइज अब हम लोग ना मतलब समझ लो कि लद्दाख एंटर कर जाएंगे, तो इसके बाद जो सारे वीडियोस आएंगे ना भाई बहुत ही एक्सट्रीम आएंगे, ठीक है, मिस मत करना। बाकी लास्ट टू वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा देन देख लेना, और मैं तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आपको सारे के सारे लद्दाख ट्रिप के वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस जो दो प्रीवियस वीडियोस है ना उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा भाई। मेरा जो राइड था वो तो स्टार्ट हुआ था बंगाल से, बट जो यूट्यूब का कंटेंट है वो मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम जम्मू। तो जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से होते हुए अभी लद्दाख की तरफ जो बढ़ रहे हैं, पूरा लद्दाख का जो ट्रिप है पूरा का पूरा शूट होगा, अपलोड होगा, आप लोग सारे के सारे वीडियोज देखना, ठीक है भाई। रास्ता देख रहे हो भाई। अरे बाप रे, देखो वाटर प्रॉस मिल गया, एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा सा। गाइस किसी को बर्फ चाहिए? बर्फ बर्फ खाना है किसी को? इधर देखो बहुत सारे बर्फ है, बहुत सारे बर्फ, हाथ जम रहे भाई। ऑलराइट गाइस, सो हियर्स आवर आईसी, पीछे आप सब देख सकते हो कि बर्फ है, एंड ये हम लोग क्रॉस कर चुके हैं जोजिला। थैंक्स फॉर योर विजिट, यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड, एंड आगे वाला जो बोर्ड है वो आप लोग देखो, वेलकम्स यू टू लद्दाख। सो हम लोग लद्दाख एंटर कर चुके हैं, एंड यार क्या मजा आ रहा है राइड करके, सीरियसली बोल रहा हूँ। अपना सुपर बाइक को लेकर, अपनी आईसी को लेकर इस जगह पर मैं आया, ऑसम एक्सपीरियंस। बाकी आप लोग सराउंडिंग देखो यार, कितना कमाल का है। आज का माउंटेन दिखे, इसके बाद से जो नज़ारा होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब आप लोगों को पता रहेगा शायद से कि कश्मीर थोड़ा डिफरेंट दिखता है, लद्दाख और भी डिफरेंट दिखता है। तो लद्दाख के एक्सपीरियंस लेंगे वो भी सुपर बाइक के साथ, एंड यार बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी वीडियो मज़ा आ रहा है देखने में, तो प्लीज़ 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 लाइक मारना। बहुत सारे इंस्टाग्राम में स्टोरीज, रील्स एंड पोस्ट मैंने डाले हैं, तो बाइकर बॉय जाहिद नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी चलो वहाँ पर शायद से हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ओके, आप लोग बने रहो, देखते रहो, एंजॉय करो। अब देखो लद्दाख लद्दाख वाला फील आ रहा है। अली भाई पिछवाड़ा निकल गया भाई। ओएमजी, जस्ट लुक एट दिस व्यू। Woohoo!
आई केम सो डैम फास्ट मैन। ये लहा डाउन से बम बम बम, यही जगह है, यही जगह था, यही से मैंने बाइक मोल लिया था इसका, यही से मैंने टेनर घुमा लिया था। इस रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खा भी नहीं पाया। मैं यहाँ से बाइक घुमा लिया था, पता है तुमको किसके वजह से? वजह से तो तुमको बाइक की पड़ी है। जिसान भाई आ गया तुम भी। यो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम लोग अभी रुके हैं फॉर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, ब्रंच कह सकते हैं क्योंकि 11:30 बज गए हैं। आई डोंट थिंक इसके बाद हम लोग रुक पाएंगे फॉर लंच। बाकी ये जगह कितना खूबसूरत है। अभी हम लोग लद्दाख में एंटर कर चुके हैं ना, तो अभी ना थोड़ा सा एरिया कैसा होगा, वीरान सा होगा, खाली खाली लैंडस्केप एंड वो जो होता है ना, मतलब दूर दूर बस लैंडस्केप एंड बीच से रास्ता, ऐसा भी सीन देखने के लिए भी मिलेगा। बाकी गाइस इधर हल्का सा ठंडा है, और मैं आप लोगों को देखो मैं इन डिटेल नहीं बता पाऊंगा, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, बट छोटा सा बता देता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था 2 साल पहले अपनी हनी को लेकर, अपने ZX TNR को लेकर मेरा ड्रीम राइड कम्प्लीट करने के लिए, उस वक्त ऐसा कुछ हो गया था जिसके वजह से ना मुझे अपना जो राइड था लद्दाख एक्सट्रीम राइड, उसको बीच में कैंसिल करके यहाँ से मैं मुड़ गया था। यार समझ लो कि मैं लद्दाख में एंटर कर चुका था और थोड़ा सा जाता 250 किलोमीटर तो ले पहुँच जाता, फिर मेरा जो पूरा लद्दाख राइड था ना वो कंप्लीट हो जाता। यहाँ से मैंने अपना बाइक को मोड़ा और आप लोगों ने देखा कितना एक्सट्रीम था रास्ता, तो यहाँ से लेते हुए सोनमार्ग, मतलब इसको जोजिला पास, इतना डेंजरस पास है, इसको क्रॉस किया, जोजिला पास को क्रॉस करते हुए सोनमार्ग गया, वहाँ से श्रीनगर गया, अकेला गया एंड वहाँ से अपना बाइक को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही सिली रीज़न की वजह से मैंने ये किया। बट एक चीज़ मैं बोल दूँ गाइज, आप सारे के सारे भाइयों को मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ गलती अपनी ज़िंदगी में किया, आप लोग वो सब मत करना। इससे मतलब यही है कि अपने लाइफ में जो आपको करना आपका खुद का डिसीजन खुद लो, आपका जो मर्जी वो करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, कोई आपको अपना जो ड्रीम लाइफ है उसको लीड करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो लिव योर लाइफ एंड किसी के लिए अपना लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? अपना लाइफ अपने तरीके से अपने हिसाब से जियो यार, ठीक है? तो अब से देखो बोलते ना, कितनों ने कहने से कितनों ने सीखा, हादसा भी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ हादसा हुआ है, उससे मैंने सीखा है एंड अभी किसी के बाप में भी इतना ताकत नहीं है कि मुझे अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने से कोई रोक सके, ठीक है? तो यस गाइस, यही आप लोगों को एक एडवाइस देना था, अपने लाइफ अपने हिसाब से अपने उसूल से जियो, किसी के बोलने से चेंज मत करो एंड अपने आप को भी चेंज मत करो, ठीक है? बाकी चलो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट उधर रेडी हो रहा है, लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट, एनर्जी कंज्यूम करते हैं एंड उसके बाद अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। भाई और यार गाइस, यहाँ पर 1 घंटे जितना कुछ हम लोग बैठे एंड अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, उधर मौसम ख़राब हो रहा है, ऊपर ऊपर स्नोफॉल हो रहा है एंड अभी ना साहिल भाई मेरा IC चलाएगा और मैं उसका KTM ड्यूक। ये क्या निकला है मुझे तो पता था कि ठंड में छोटा हो जाता है, बड़ा कैसे हो गया? अरे बाप रे, यार अपनी IC क्या मस्त दिख रही है भाई। ओहो यार, रास्ता तो काफ़ी अच्छा है। मैं कभी ना इस रोड से होते हुए लद्दाख नहीं गया ज़िंदगी में, बस एक बार ही मैंने लद्दाख राइड किया है, वो है विंटर लद्दाख, ठीक है? नॉर्मल लद्दाख नहीं, विंटर लद्दाख। इस बार बाई रोड कर रहा हूँ एंड गाइस अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज का हॉल जो है हम लोग लेंगे वो कारगिल पे। कारगिल पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर आज हम लोग लद्दाख जाने का कोशिश करेंगे ना तो फिर रात हो जाएगा यार। अभी इतना ज़्यादा ठंडा है तो समझो कि रात के टाइम जब हम लोग ले एंटर करेंगे ले सिटी, तो उस वक्त कितना ठंड रहेगा।
तो इसलिए आज का हॉल्ट होगा कारगिल पे। अरे बाप रे काका, काका हमरा कोलकाता से, काका हावड़ा से के हावड़ा, তোমাকে তো অনেকবার দেখেছি, তাহলে লাদাখ আবার তিনবার আমি দেখেই বুঝতে পারি তুমি আছো। বাপ রে কাকার হাত গরম ভাই, কাকা তুই হাত মেলা, হাত মেলা গ্লাভসটা খুলে দেখ, কাকার হাত গরম, আলাদা জিনিস ক্যাম্পার, ক্যাম্পার লেকার ইয়ার ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ম্যান जो लद्दाख जा रहा है कैंपर लेकर, बाईसाइकिल नहीं, इसे बाईसाइकिल नहीं, ये तो चलो ठीक है कैंपर लेकर। इसका वजन कितना होगा समझो, 60 किलो। इसको लेकर जोजिला क्रॉस, हम लोगों का हालत खराब हो गया बाइक्स लेकर। चलो अंकल ठीक है, ठीक है फिर मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक। चलो गाइस बाप रे कितने सारे बाइकर्स है भाई, बहुत सारे बाइकर से मुलाकात हो रहा है। कारगिल इज 58 किलोमीटर, लेह इज 283 किलोमीटर। यार मैं इतना भगा रहा था ना कि भगाते भगाते यार कारगिल वॉर मेमोरियल जी क्रॉस कर दिया। सो राइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने एंड डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, एकदम भी डिफ़िकल्ट नहीं है लद्दाख राइड। मतलब जो लोग न्यू है उन लोगों को शायद से लग सकता है, बट हमारे लिए यार कुछ भी नहीं फील हो रहा है, वी आर एंजॉइंग अ लॉट। एनीवेज फर्स्ट टाइम मैं विजिट कर रहा हूँ कारगिल एंड कारगिल वॉर मेमोरियल के एकदम सामने हो, तो अंदर चलेंगे जाकर आप लोगों को दिखाएंगे क्या है वॉर मेमोरियल के अंदर। आप में से बहुत लोग हो शायद से जिन लोगों ने वॉर मेमोरियल तो घूम लिया, बट मैंने नहीं घूमा। बाकी इधर हम लोगों ने बाइक्स पार्क कर दिया एंड जहाँ पर भी हम लोग रुक रहे हैं वहाँ पर भी क्राउड मतलब अच्छा खासा अटेंशन दे रहे हैं, सब लोग पूछ रहे कहाँ से आए क्या कर रहे हैं। बाकी इधर बाइक्स है और इधर हमारा सुदीप भाई है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर ठीक है। बाकी आज हम लोग स्टे करने वाले हैं कारगिल में, ये तो वॉर मेमोरियल है, यहाँ से कारगिल देखते हैं कहाँ पर जाकर हॉल्ट करेंगे। बाकी यस चलो लेट्स मूव, गुड कंटेंट। ओ भाई तुम क्या कर रहा है, ओ एमजी गाइस लुक एट हिज बॉडी, क्या भाई कैमरा में जूम होता है सब दिख गया ठीक है। अच्छा एक बार दिखा दो ना यार क्या है यार, फील प्राउड, नहीं नहीं दिखाओ ना एक बार, एप्स वगैरह दिखाओ। अभी ऐप नहीं है मेरे भाई, जो जो है देखो मेरा क्या है, इतना बड़ा पेट है ठीक है। ओह क्या फ्रेम है, चलो चलते गाइस वॉर मेमोरियल की तरफ, अंदर जाकर देखते हैं। तो गाइस दिस इज द एंट्रेंस ऑफ कारगिल वॉर मेमोरियल, अभी अंदर हम लोग जाएंगे कारगिल विजय दिवस। बहुत ही खूबसूरत है बाहर से देखने में मिल रहा है एंड उधर है हमारा इंडियन फ्लैग, जय हिंद जय भारत। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने एंड वॉर मेमोरियल हम लोगों ने घूम लिया। बाकी ये जो लद्दाख राइड है बहुत ही ऑसम चल रहा है एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये लद्दाख राइड है इसका रोड ट्रिप पार्टनर है जॉयस बाइक पॉइंट। तो जॉयस बाइक पॉइंट एक प्री ओन्ड सुपर बाइक डीलरशिप है जहाँ पर आपको हर तरीके का प्रीमियम सुपर बाइक्स मिल जाएगा। ये भी एक सुपर बाइक है, वहाँ पर आपको बहुत सारे सुपर बाइक्स मिल जाएगा। एक खासियत मैं बताना चाहता हूँ वो है कि बहुत सारे डीलरशिप आपको दूसरे दूसरे स्टेट्स में भी मिल जाएंगे, बट वो लोग क्या करते हैं ना, नंबर रिवील नहीं करते, हिडन करके रखते हैं। बट जॉयस बाइक पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं करता, वहाँ पर आप नंबर से आप डिटेल्स मालूम कर सकते हो। बाकी बहुत ही जेन्युइन एंड ऑथेंटिक डीलरशिप है, तो आप लोग को अगर चाहिए प्रीमियम सुपर बाइक्स देन डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया रहेगा ऑफ जॉयस बाइक पॉइंट, आप लोग ज़रूर से कॉन्टैक्ट करना एंड आप अपना ड्रीम बाइक वहां से ले सकते हो। तो थैंक यू जॉयस बाइक पॉइंट फॉर मेकिंग माय रोड ट्रिप पॉसिबल। दो दो मुझे भी तीन 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 दो कॉफी कॉफी का भाई बॉय बॉय डाला दे और हेलो कॉफी वाले को। ओ गाइस क्या रोड मिल रहे भाई हम लोगों को, भाई
हो लवली रोड्स, लवली सीनिक व्यू यार, इतना मजा आ रहा है ना बाइक चलाकर, क्या ही बोलूं भाई। यार तूफान आ रहा है ना तो हवा चला, देखो कैसे पेड़ हिल रहे, क्या मस्त दिख रहा है भाई। तो गाइस ये देखो साहिल भाई कैसा बाइक चला रहे हैं भाई, पीछे का टायर पूरा फ्लैट हो चुका है इसलिए ही हैज टू राइड लाइक दिस। वाह मेरी जान, क्या लग रहा है भाई। इधर देखो और एक बंदा देखो जा रहा है लगेज को लेकर। ओके एंजॉय एंजॉय, हम लोग आगे जाकर हेल्प देखते हैं यार, कहां पर टायर फिक्स हो सकता है वो देखते हैं यार। इधर ना माउंटेन में ब्रेक्स नहीं, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इंजन ब्रेक, देखो इंजन ब्रेकिंग मारता हूँ, देखो टम ये ब्रेक करता है ठीक है, और ब्रेकिंग देखो और स्लो हो गया, क्योंकि अगर पहाड़ में ना अगर आप ब्रेक्स यूज करोगे ना नॉर्मल ब्रेक, दिस ब्रेक्स लेग ब्रेक, देन ना वो घिस जाएंगे एंड घिसने से भी बुरा ये होगा कि वो ना गर्म हो जाएंगे एंड जब ब्रेक पैड्स एक्सट्रीम हीट हो जाते ना फिर वो ब्रेक नहीं पकड़ता भाई, आप जितना भी मारोगे पकड़ के रखोगे फिर भी यार बाइक नहीं रुकेगा। तो इन सब पहाड़ी रोड्स पे ना यहाँ पर स्लोप रहे था वहां पर यू शुड अप्लाई इंजन ब्रेकिंग। सी यहाँ पर बहुत डाउन है, बहुत डाउन, व्हाट आई डू ब्रेक, ओके ब्रेक, देखो देखो कैसा ब्रेकिंग हो रहा है, देखो आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके सो लाइक दिस इट वर्क्स। अब उस चीज में अगर मैं नॉर्मल ब्रेक दबाता ना तो घिसता ब्रेक और गर्म होता और खत्म। देखो नदी देखो, ओ भाई भाई ब्रिज देखो भाई खतरनाक। तो एनीवेज गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम में, टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, अराउंड कुछ 5:30 6:30 हो रहा है एंड अच्छा खासा हम लोगों को रूम मिल गया ठीक है, इधर ही हम लोग रहेंगे चड्डी बड्डी। तो एनीवेज गाइस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। ये रहा कारगिल सिटी, यहाँ से दिखेगा, मैं एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को ठीक से। वो भाई लग रहा बारिश होगा भाई। क्या हुआ मेरी भाई, इधर वाला इधर वाला। एंड गाइस इट स्टार्टेड रेनिंग ऑलरेडी, भाई क्या मौसम हो रहा है भाई। एनीवेज गाइस इस वीडियो में और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पर एंड करते हैं, होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ वो है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया देन क्या करो यार, फॉलो करो फटाफट, यू गाइस वोंट बिलीव YouTube में जो कंटेंट अपलोड हो रहा है ना उससे 3 times ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं Instagram में अपलोड कर रहा हूँ, स्टोरीज रील्स पोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ अपलोड कर रहा हूँ, तो डोंट मिस देम। यहाँ पर नाम आ रहा है बाइकर बॉयज जाहिर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंड यस कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड जाएंगे लेह सिटी, कल का वीडियो मिस मत करना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बाकी जितने सारे प्रीवियस व्लॉग्स हैं उनका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी जरूर से देखना ठीक है। एंड चलो इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस, बाय बाय टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।